नमस्कार दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिससे आप बहुत ही वाकिफ हैं। जी हाँ, जिनका नाम है आदिल हुसैन। जी, आदिल हुसैन अब तक सैकड़ों फिल्मों में काम कर चुके हैं जो आज जवां दिलों की धड़कन बन चुके हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं जो बहुत जल्द रिलीज होने जा रही हिंदी फीचर फिल्म मैं और चार्ल्स में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं आदिल हुसैन से। काफी सारे मैं हैं, उसमें से एक बहुत ही अहम मैं जो अमोद खंत जी हैं, वो जिन्होंने चार्ल्स को कन्विक्ट करवाया था और ये गारंटी दिया था समाज को कि इस किस्म के लोग जो हैं ये समाज में खुलेआम घूमना नहीं चाहिए। तो वो जैसे कि हर एक किरदार में ढलना बहुत चैलेंजिंग होता है, तो आमद कटजे में जो है आप सुने किरदार में हैं, तो उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना लगे? अलग तो रहा है कि हर एक आदमी पूरे विश्व में अगर 7 बिलियन आदमी है तो 7 बिलियन आदमी अलग अलग होता है। और लेकिन इस किस्म के जो इनको मैं कहता हूँ आर्किटाइप कैरेक्टर्स, आर्किटाइप का मतलब ये होता है कि कुछ लोग हैं दुनिया में जिनके अंदर काफ़ी सारे क्वालिटीज के इतने मिश्रण हैं और इतना स्ट्रॉन्ग मिश्रण है, जैसे सतता या इंटीग्रिटी को हिंदी में कहते हैं मेरे ख्याल से कर्मनिष्ठा, और डेडिकेशन, जो जिस डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, तो इतने स्ट्रॉन्ग मिश्रण है और उसके वजह से उनका जो एक्शन है, जो कार्य करता है, उसमें बहुत पावर है। तो मुश्किल तो है, लेकिन कोई भी चीज़ मेरे ख्याल से अच्छा करने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सर, आप जो है हमेशा इंग्लिश हो चाहे जेड प्लस हो, आप चाहे मैं और चार्ल्स, आप हमेशा जो है अलग अलग किरदारों के लिए जो है जाने जाते हैं जी। और बहुत हर बार में आपकी अभिनय प्रतिभा निकल कर सामने आती है, क्या राज है उसका? राज है कि अगर आप अभिनय से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो अच्छा कर लोगे। आप कभी ना कभी इस उम्र में अच्छा नहीं करेंगे तो कैसे हो? आप अगर आप ऑमलेट भी बनाते हैं 20 साल से, अगर आपको पसंद है ऑमलेट बनाने के, 20 साल के बाद ऑमलेट बनाने के लिए किताब लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर पसंद नहीं है तो 50 साल ऑमलेट बनाइए, वो खराब ही बनेगा। सर, जैसे चार चोपड़ा के ऊपर सबको मालूम है फिल्म है ये, और क्या मैसेज आता है समाज में आज के वक्त के हिसाब से? मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके अभी, क्योंकि हमारे समाज में जो है एक कोई अच्छा ऑफिसर कुछ अच्छा काम करता है, नेक काम करता है, तो अखबार में आ जाते हैं जी। एक और जितने सारे अखबार के बाकी हेडलाइंस हैं वो सारे खराब चीज़ों के बारे में, करप्शन होना, पॉलिटिकल करप्शन, ब्यूरोक्रेट्स के करप्शन हो, ये हर एक जगह पर जो देखते हैं हम कि वो नॉर्मल दिखता है कि अच्छा है तो करप्ट हो गए, लोग तो चीट करेंगे, उस पर तो विश्वास ही कर ही नहीं सकते, ये नॉर्मल है। लेकिन एबनॉर्मल जो नॉर्मल होनी चाहिए वो नॉर्मल नहीं है। जैसे अमोद जी जैसे एक ऑफिसर जो बिल्कुल ऑनेस्ट है, बहुत ही सत्य, मतलब हर एक काम जो है जो करना चाहिए उनको कर, नॉर्मल है उनके लिए कि अरे मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, समाज के सामने, समाज के लिए मुझे ये करना मेरा कर्तव्य है, तो इसी वजह से मुझे सरकार पैसा दे रहा है। लेकिन आप तो जानती है बाकी अफसर कोई कहाँ नहीं, कहीं भी जाइए इसलिए कि लोग ये फिल्म देख करके अमोद जी और चार्ल्स में जो फर्क है उसको महसूस करेंगे, कौन सा ज्यादा इंस्पायरिंग है आपके लिए उसको। धन्यवाद सर, बीता न्यूज से बात करने के लिए मुबारकबाद देते हैं, फिल्म बहुत जो है ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो इंशाल्लाह। तो देखे देखा दर्शकों, ये था हमारे साथ आदिल हुसैन जी। बीसीएन न्यूज के लिए अजय शास्त्री के साथ में आफाक खान समीर नोएडा।